आज मैं बात करने वाला हूँ पीएफ इंटरेस्ट को लेके। अगर आप किसी कंपनी में एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल तक आपने काम कर लिया और उसके बाद आपके जो पीएफ के इंटरेस्ट पैसे वो बिल्कुल जीरो, अगर आपके पास ऐसे दिखाई दे पीएफ इंटरेस्ट जीरो, तो आपको कैसे लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सिर्फ आपको नहीं, किसी को भी बुरा लग सकता है। मैंने पहले आप लोगों को अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, उसके बाद जाके मैं बात करता हूँ पीएफ इंटरेस्ट लेने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट जीरो, कितने साल काम किया बंदे ने। मैंने अभी आप लोगों को पहले डिटेल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद जाके आप लोगों को समझाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ज्वाइनिंग डेट 2012 से अभी कितना है। अब यहाँ पे देख सकते हो 2020 दिसंबर 2020 में इसने काम छोड़ा है और इसका इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो। आपके पास भी ये सीन हो सकता है, आपको क्या करना है इंटरेस्ट लेने के लिए आपके। अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल अमाउंट, अब यहाँ पे देख सकते हो 1,22,000 इसका अमाउंट, जो इंटरेस्ट वाले अमाउंट है। अब यहाँ पे देख सकते हो जीरो, एक भी पैसे नहीं मिला, आपको भी ना मिल सकता है। आपको क्या करना है इस वाले वीडियो में आप लोगों को यही A to Z बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपके पास ये वाले मैसेज आ रहा है, अब यहाँ पे देख सकते रहे डियर मेंबर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2019 और 20, अब यहाँ पे देख सकते हो हैज बीन कैलकुलेट अगेंस्ट योर अकाउंट। इंटरेस्ट लेने के लिए आपको क्या करना है इस वाले वीडियो में आप लोगों को A to Z बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर पहले देख लीजिए कितने साल बंदे ने काम किया। यहाँ पर दिसंबर 2020 को इसका काम छूट गया, ठीक है, और ज्वाइनिंग डेट मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया 2012, मतलब कितने साल हो गया, 8 साल बंदे ने काम किया। 8 साल में कम से कम लगभग आपके 10,000 करीब बनता है, ठीक है, 8,000 से 10,000 तक बनता है। अभी यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल जीरो। उससे नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लीज गेट योर KYC सेंडिंग, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको KYC करना है। KYC कैसे करना है उसके बाद मैंने अकाउंट ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको KYC नहीं है, मैं यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं अकाउंट ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट ओपन कर लिया, अकाउंट ओपन होने के बाद इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी वेरीफाई हो रखा है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आधार कार्ड नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अगर आपके पास इंटरेस्ट के पैसे नहीं आया और आपके यहाँ पर अगर आप KYC पोर्टल में जाके आप देख लेते हो यहाँ पर आपके आधार कार्ड नॉट अवेलेबल, तो आपको क्या करना है पहले आधार कार्ड वेरीफाई करा लेना है। जब तक आप आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कराओगे तब तक आपके इंटरेस्ट के पैसे नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के आपको काम करने पड़ेगा। अगर आपके UN अकाउंट में सेम प्रॉब्लम है, पैसे नहीं आया, जीरो बैलेंस दिखाई दे रहा है, आपके KYC नहीं है, तो आपको क्या करना है जाके KYC आपको करा लेना है। KYC कैसे करना है, विदाउट एम्प्लॉयर से भी करा सकते हो, एम्प्लॉयर के थ्रू भी आप करा सकते हो। मैंने अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी जो मैंने अकाउंट दिखाया था ये वेरीफाई ऑलरेडी हो गया, 24 घंटे के अंदर आप वेरीफाई करा सकते हो विदाउट एम्प्लॉयर के, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। अगर आप KYC कराने चाहते हो, सिर्फ आप नहीं 40 लाख एम्प्लॉयर ऐसे है, मतलब 4 मिलियन लोग ऐसे ही है, अभी भी इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ। अगर आपके इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है जाके KYC करा लेना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।